मैक्रो इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन, इन दोनों के बीच में आज के वीडियो में हम डिफरेंस देखने वाले हैं गाइस। सो वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इवोल्यूशन एंड मैक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन, नाम से पता चल रहा है माइक्रो लेवल पे जो इवोल्यूशन हो रहा है। इस इवोल्यूशन में यहाँ पर एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगा स्पीशीज की एक पॉपुलेशन में। हम यहाँ पर क्या करें, एक पॉपुलेशन में चेंज करें एलीलिक फ्रीक्वेंसी को। जैसे कि समझो एक कमरा है, एक कमरे में बिल्लियां हैं, बहुत सारी टाइप की बिल्लियां, काली, व्हाइट, हरी, पीली, समझो स्पॉटेड, बहुत सारी टाइप की बिल्लियां हैं और इनमें हमने एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन टोटल चार वजह से हो सकता है। सबसे पहला रीजन हो सकता है माइक्रो इवोल्यूशन का जीन फ्लो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो व्हाइट कलर वाली बिल्लियां थी उनको इस कमरे में अच्छा नहीं लग रहा था तो वो नए कमरे में चली गई, तो उन्होंने जीन फ्लो कर दिया है, जीन्स यहां से किसी और कमरे में ले गई और यहां पर एलीलिक फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी। और क्या हो सकता है, यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब उस कमरे पे एकदम से बहुत जोर से बिजली गिर गई जिसकी वजह से ब्लैक कलर वाली जो बिल्लियां थी वो मर गई, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे एलीलिक फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई। तीसरा तरीका यहाँ पे होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है समझो ये ब्लैक कलर वाली जो बिल्ली है इनमें बहुत सारे व्हाइट कलर के स्पॉट्स आ गए म्यूटेशन की वजह से, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। या फिर यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है कि जो ब्लैक कलर वाली बिल्ली थी वो बहुत सारे बच्चे दे रही थी, यहाँ पर वो नेचुरल सेलेक्ट हो रही थी, नेचर उसको सेलेक्ट कर रहा था तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। तो माइक्रो इवोल्यूशन जो है इसमें एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है एज कम्पेयर टू मैक्रो इवोल्यूशन। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, साउथ से हमने नॉर्थ में स्पैरो को ट्रांसफर किया, तो यहां पर अब ये जो स्पैरो नॉर्थ में रह रही थी उनका साइज एज कंपेयर टू साउथ वाली स्पैरो से बड़ा था। क्यों ऐसा, क्योंकि उनको ठंड को अडेप्ट करना था, तो ठंड के लिए उनका जो बॉडी साइज था वो बड़ा हो गया। तो ये क्या होती है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया। वही मैक्रो इवोल्यूशन क्या होता है, बड़े लेवल पे जो इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि इसमें यहाँ पर नई स्पीशीज फॉर्म होगी। यहाँ पर हम अबव दी स्पीशीज लेवल बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें नई फैमिली बन सकती है, नया क्लास बन सकता है, नया ऑर्डर बन सकता है, तो बड़े लेवल पे हम बात कर रहे हैं। इसमें कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, नई टाइप की स्पीशीज बन भी सकती है, दैट इज मैक्रो इवोल्यूशन। होने में बहुत टाइम लगेगा। अब ये जो मैक्रो इवोल्यूशन है इससे रिलेटेड दो थ्योरीज होती है, एक होती है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम और एक होती है फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बोला गया है कि लॉन्ग टर्म ऑफ यहां पर स्टेटस था, यानी कि लॉन्ग टर्म यहां पे कुछ चेंज नहीं आया, लेकिन एकदम से यहाँ पे कुछ सडन चेंज आया जिसकी वजह से नई स्पीशीज बन जाती है। तो यहाँ पर क्या, लॉन्ग टर्म में कुछ चेंज नहीं आया, फिर एकदम से इंटरफेरेंस हुआ और एक नई स्पीशीज बन गई, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एकदम से नई स्पीशीज का बनना आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेटिसनेस, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्स्टेंटनेस। वही जो फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म है वो यहाँ पे बताता है कि ग्रेजुअली जो चेंजेस है वो आते जाते एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज बन जाती है, तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ग्रेजुअल प्रोसेस है यानी कि एनाजेनेसिस है, धीरे धीरे पुरानी स्पीशीज से एक नई स्पीशीज बन रही है। वहीं यहाँ पर क्लैडोजेनेसिस में लॉन्ग पीरियड में कुछ भी नहीं हुआ, फिर एकदम से स्पीशीज ब्रांच हो गई और नई स्पीशीज बना ली, यानी कि ये किसकी कंडीशन है, क्लैडोजेनेसिस की कंडीशन है, इसमें पंचुएटेड इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच, बाय।